नियम मर्यादा नहीं सीखेंगे, सब्जेक्ट में भी ऐसे भीड़ करेंगे, है ना। और फिर सीखना है, कहां जाना है, 1 मिनट 5 मिनट लगेंगे। हाँ, ये मर्यादा, ये दैवी गुण। ये नहीं सुना कितना भी आप बाबा बाबा करके रो, मुरली सुनो, योग करो, आचरण में देखता है, लोग देखेंगे। देखो भाई जी, आप सबको सारे विश्व में भेज रहा है, पता आपको, आप यहां नहीं बैठे हो, सारे विश्व के बाबा के बच्चे, दुनिया वाले आपको देखा रहे, यहां से आपको सबको भेज रहा है पतन में। आप यहां नहीं बैठे हो, सारा विश्व आपको देखता है। तो माता अगर ऐसे भीड़ करेंगे, कोई क्लास में बैठे नींद करेंगे, तो आपका फोटो नींद करता हुआ जाएगा, चलेगा, बाबा की प्रत्यक्षता होगी नहीं। भगवान के सामने बैठे नींद कर रहे, भगवान के सामने बैठे इधर उधर देख रहे हो, है ना, ये दैवी गुण जी। तो अभी आज से पक्का रखना, दोबारा बहन जी ने बोलना नहीं, एक दफा, हाँ, एक दो मर्यादा। एक हॉल के अंदर घुसते हो तो चप्पल पहन के आते हो, नहीं भाई जी भूल गए, चप्पल पहन के आ गया अंदर, ऐसा होता है, भूल, नया चप्पल बाहर छोड़ते हैं ना, कि कभी भूल करके चप्पल पहन के आते हो, नहीं बाहर छोड़ते हो। तब अंदर घुसते समय याद रखना कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर, मोबाइल का काम यहाँ नहीं है। हाँ, बाहर जाने के बाद भूल करो, यहाँ आए हो तो चप्पल को जैसे बाहर छोड़ते हो, अंदर घुसते समय ही चप्पल छोड़ा, मोबाइल भी थैली में या उधर को बंद कर दो, नहीं तो आवाज आ रहा है तो दूसरों को भी डिस्टर्ब करते, लोग बोलते हैं देखो मोबाइल आवाज करता है, सबकी नजर जाती है। ये भी मर्यादा है, ये दैवी गुणों में आया है ना। तो ये एक सीखना, ठीक है, याद रखना आज के बाद, कहीं भी जाओ, आपको नहीं मैं बताता, मैं अपने करता हूँ, मैं मोबाइल लेके कभी बाबा के कमरे में नहीं जाता हूँ। किसी से बात करता हूँ तो मोबाइल लेके नहीं बैठता हूँ, कमरे में रखता हूँ। कोई डॉक्टर नहीं है, इसे शरीर छोड़ा तुरंत दवाई देना चाहिए, नहीं, जाने के बाद दिन में 10 मिस कॉल आए, इधर कमाल के बाद जाके कमरे में जाऊंगा, देखूंगा 10 मिस कॉल है, बात करो, रात को बात करो, दिन में बात करो, कमरे में बात करो, इधर सभा में बात करने का समय नहीं है ना, दो काम एक साथ नहीं हो सकते, या भगवान से मिलो या मोबाइल से मिलो, किससे मिलना चाहिए, भगवान से मिलने आए, उसको कहा दे सहित, दे के सब पदार्थ, दे के सब संबंध, बाहर छोड़ के तब ज्ञान अंदर जाएगा, नहीं तो यहाँ आने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, बार बार मोबाइल गुरगुर आवाज करता है, ध्यान उधर जाता है ना। ये एक काम करना। दूसरा, जब भी बहन जी कहती है माता है लाइन से आना, अपने आप एक लाइन, एक के पीछे एक, दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान के बच्चे, देवताओं के बच्चे, एक बार इशारे से बताते हैं लाइन से आओ, कहीं जाना नहीं, कहाँ जाना है, हाँ किसी को जरूरी है तो बहन को बोलना, बहन जी मुझे जल्दी जाना है, मैं पहले जाऊं, वहां कहेंगे वो नजदीक आपको लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसे दोबारा बोलने मर्यादा पुरुषोत्तम, किसके बच्चे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बच्चे, देवताओं के नहीं, साधारण मनुष्य के नहीं। तो चलन ये दो धारणा, शांति वन में भी देखते हैं हम, सौगात के लाते भीड़ करते, बार बार बोलना पड़ता है, माता है लाइन में आ, अभी माता है कौन सी हो गई, अरे आज माता है कौन सी है, देवी कुल के माता है, सिर्फ माता है नहीं, है ना, ये लक्ष्य रखना, कभी दोबारा बहन जी को बोलना नहीं पड़े, एक के पीछे एक एक लाइन, हो सकता है जो माता है कहेंगे अगले भाई जी अगले ग्रुप में ऐसा नहीं होगा, वो हाथ उठाओ देख लो, हाँ देखो बहन जी देखना आपके सब माता है, दादी देखा, हाँ जगत माता है ना, उषा है।